जी हम डिफेंस से हैं माशाल्लाह। यहाँ पे हम आते हैं शब जुमा में। जी मैं आया हूँ टंडो गुलाम अली से, डिस्ट्रिक्ट बदीन। अच्छा। जो यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है। तकरीबन 16 साल हो गए हम खाते, तकरीबन हर हफ्ते में एक दिन ज़रूर आते हैं दोस्तों के साथ यहाँ खाना खाने के लिए। बस वजह यह है कि इनका टेस्ट मैं तकरीबन 6-7 साल से निहारी खा रहा हूँ, इनका टेस्ट नहीं चेंज होता, टेस्ट इनका बहुत अच्छा है। आपको मालूम है कराची के जो लोग हैं ये तो रात दिन के हिसाब से खाना खा रहे होते हैं भाई। चिपचिपे शोरबे, इसमें पड़ी एक बड़ी सी बोटी हरा धनिया, कटी हरी मिर्चे और कटी अदरक। इस सब के इम्तिजाज से जो चीज वजूद में आती है इसका नाम निहारी है। निहारी की तारीख 18वीं सदी के आखिर में जामिया मस्जिद दिल्ली और दरियाए गंज के इलाके से शुरू होती है। मुगलों के दरबार और मुसलमानों का मनपसंद नाश्ता कहलाने वाली निहारी अरबी लफ्ज निहार की निस्बत से लिया गया है, जिसके मायने सुबह सवेरे के हैं। 70 की दहाई में आबादी बढ़ने के साथ ही कराची में नए नए रेस्टोरेंट खुलने लगे जिनमें निहारी के होटल नुमाया थे, जहां तकरीबन हर होटल के बाहर दिल्ली की निहारी का हवाला जरूर मौजूद होता था। जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक शहर कायद में निहारी सबसे ज्यादा खाई जाने वाली डिश बन चुकी है, जिसका एहसास हमें अपनी रिपोर्ट की तैयारी के सिलसिले में उस वक्त हुआ जब हम फेडरल बी एरिया में वाकई जावेद निहारी रेस्टोरेंट पहुंचे, जहां दो दो मन की लगी दो देगों में 24 घंटों के दौरान दो बार निहारी पकाई जाती है। मोहम्मद जावेद की कामयाबियों की कहानी सुनाते हुए उनके साहबजादे मोहम्मद शहजाद ने हमें बताया। ये हमारे वालिद मोहतरम ने किया आगाज 1978 में, और पहले ये छोटी सी दुकान थी, बोरियां बिछा के लोगों को खाना खिलाया जाता था। आगे इससे आगे वाले रेस्टोरेंट में छोटी सी 4 फुट की जगह थी, फिर सामने लिया और ये अब आपके सामने अलहमदुलिल्लाह। इंडिया में नारी नार मुँह खाई जाती है, सुबह सुबह खाई जाती है, वहाँ सिर्फ सुबह में होती है, लेकिन कराची वालों को आपको मालूम है कराची के जो लोग हैं ये तो रात दिन के हिसाब से खाना खा रहे होते हैं भाई। जो नारी सुबह हम बेचते हैं वो रात को पकती है, और जो रात को बेचते हैं वो सुबह पकती है, सारा दिन नारी पकती है, शाम में 4-5 घंटे में सेल करते हैं। जबकि निहारी खाने वाले भी इसके जायके की दाद दिए बिना नहीं रह सके। जी हम डिफेंस से हैं माशाल्लाह, यहाँ पे हम आते हैं शब जुमा में, उसके बाद निहारी इनकी खाते हैं माशाल्लाह। जावेद निहारी अच्छी निहारी है माशाल्लाह इसकी। जी मैं आया हूँ टंडो गुलाम अली से, डिस्ट्रिक्ट बदीन। अच्छा। जो यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है, और जब भी इनके पास हम आते हैं ये हमें यहाँ पर जावेद निहारी, हमारा ही शौक होता है कि हमें जो है अच्छी जगह पे लेके जाएं। यार इनका जायका बहुत अच्छा है, तकरीबन 16 साल हो गए हम खाते, तकरीबन हर हफ्ते में एक दिन ज़रूर आते हैं दोस्तों के साथ यहाँ खाना खाने के लिए। तो इसका जायका माशाल्लाह जैसा पहले था, इनके वालिद साहब पहले बैठते थे यहाँ पे, अभी ये लड़के आके खुद बैठते हैं, तो इनका जायका माशाल्लाह वही है। बस वजह यह है कि इनका टेस्ट मैं तकरीबन 6-7 साल से निहारी खा रहा हूँ, इनका टेस्ट नहीं चेंज होता, टेस्ट इनका बहुत अच्छा है, इस वजह से मैं इनको यहाँ पे लेके आया हूँ, वरना निहारी वाले तो और भी बहुत हैं। और जब इसका जायका हमारी जबान तक पहुँचा तो हम भी बेसाख्ता यही बोल पड़े, निहारी तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि जावेद नाम ही काफ़ी है। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद इस किस्म की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और कराची अपडेट्स की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।